महला सूत्राशाही कोऑर्डिनेशन कमेटी सूत्राशाही की तरफ से मैं बोल रहा हूं, शबीर अहमद। हम एलजी इंतजामिया से अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारा कोई प्रोटेस्ट ये नहीं है कि हम हाथ करके नाराबाजी करें या इनके खिलाफ कुछ बोलें। हम अपनी बात, सिंपल अपनी बात रखना चाहते हैं। हम इंतजामिया से इतना कहना चाहते हैं कि जो आपने सीआरपी वालों को यहाँ पर मैरिज हॉल में डिप्यूट किया है, इसकी तरफ नजरसानी करें। जरा ये देखें कि क्या ये यहाँ पर ठीक रहेंगे या नहीं। इन्होंने इस महल की हालत ही ऐसी है कि गुंजाइश बहुत कम है। महल के अंदर इन्होंने हमारे गोद में इनको बिठा के रखा है। हम एहतजाज इसीलिए कर रहे हैं कि इनको किसी अच्छी जगह डिप्यूट कीजिए, ताकि ये भी अच्छी तरीके से रहें और हम भी अच्छी तरीके से रहें। आप यकीन नहीं करेंगे, इनकी गाड़ियों का रश, आना जाना, बड़ी बड़ी ट्रकें मोड़ नहीं कर पाती हैं, एक एक घंटा लग जाता है। उतनी देर हमें सफर करना पड़ता है। अगर कोई खुदा ना खास्ता आग लग जाए या बीमार हो जाए या शादी या कुछ भी हो, तो उस वक्त हमें दुश्वारियां ही दुश्वारियां हो जाती हैं। अभी इसी मैरिज हॉल में हाल ही एक दो शादियां होने वाली थी, वो भी मनसूख हमें करनी पड़ी, इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने ये ऑक्यूपाई किया है। ऑक्यूपाई के खिलाफ हम नहीं है, चलो गवर्नमेंट की मर्जी है, वो जहां इनको रखना चाहते हैं सारा कुंभ है, हमें उस पर एतराज नहीं है। एतराज हमारा यही है कि आप देख लीजिए कि इस महले के अंदर जो पहले ही फॉरेस्ट से कवर्ड है, वो चाहे सेक्रेटरी का फॉरेस्ट हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन का या आईजी कश्मीर का या नीलम सिनेमा का, ये महला चारों तरफ से फोर्स से कवर्ड है। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हमारी गोद में इनको बिठा के रखा है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। खुदा रहा जरा इसकी तरफ नजरसानी करे, और हमारा कुछ नहीं है, नजरसानी करके देख लीजिए, इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वो ये हमारी मुश्किल दूर करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी।